मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और अर्जी लगाया है कि अलग अलग राज्यों में FIR को एक जगह लाने के लिए अर्जी लगाई है। मनीष कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप लगा ही था, तब तक एक और FIR हो गया। इस बार मामला गांधी जी से जुड़ा हुआ है। मामला क्या है वह आगे बताएंगे, पहले सुप्रीम कोर्ट से जो अपडेट आया है उसे जान लीजिए आप। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले का फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। तमिलनाडु पुलिस ने कस्टडी में रखा यह एक FIR है। ऐसे FIR दर्जनों अलग अलग राज्यों में दर्ज हैं। इसे लेकर मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और अर्जी लगाई कि सभी मामलों को एक जगह किया जाए ताकि सुनवाई में आसानी हो। अब जो FIR दर्ज हुई है, बिहार पुलिस के अपराध इकाई ने महात्मा गांधी और धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में की है। मनीष कश्यप के साथ ही उनके सहयोगी रवि पुरी और अमित सिंह को भी नामजद किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले निशांत वर्मा ने मनीष कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि मनीष कश्यप और उनके साथियों ने महात्मा गांधी के लिए अपशब्द कहे। शिकायत है कि उनकी मौत पर जश्न मनाने की बात कही और वीडियो का साक्ष्य भी पुलिस को दिया, जिसमें विवादित वीडियो है। अब इस समय मनीष कश्यप तमिलनाडु पुलिस के गिरफ्त में हैं। लैपटॉप, मोबाइल तथा अन्य सामग्री यानी साक्ष्य नहीं मिले हैं जिसको